गर्मी में बिजली न आने के कारण और पानी न आने के कारण लोग परेशान हैं और कई इलाके वासियों का कहना है कि इतनी गर्मी में बिजली और पानी न आने के कारण वे 3 दिन से नहाए तक नहीं। कहना चाहोगे भाजी की नाम है थोड़ा जो बिजली नहीं आ रही है तो की मेरा नाम राजविंदर सिंह है जी। लाइट का इतने बहुत ही बुरा हाल है, 3 दिन हो गए है कोई पता नहीं लाइट। 3 दिन तो अगर एक दिन च 24 घंटे तो अद्धा घंटा भी टिके लाइट नहीं आती, 24 घंटे 20 घंटे बंद रहती है। और बार बार असी उच्च आला अधिकारियों कह चुके हैं, कंप्लेंटा लिखा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं। हर गर्मियों यही हाल हों, अज भी सवेरे एक्सीएन साहब, एससी साहब, एसडीओ साहब सारे आए ने, सारे ने भरोसा दवाया सीगा भी अज तुहाड़ी लाइट का हल हो जाएगा, पर हुण फिर दोबारा रात होने वाली है, कोई हल नहीं है। ये तुसी हुण आप देखो किन्ना रश है, तो लोग तो खाली अपने रैबर से बोतलां लैके आए हैं, आ किसी नूं पुछ लो मेरे हिसाब नाल 2 दिन होए नहाता ही कोई नहीं है, इस तो माड़ी हालत होर की हो सकती है। बस जी जब तक इन्हों के कन्ना के जू नहीं सरकती, इन्हों पता नहीं लगता कि लोग हम जागते हैं, उदों तक यह धरना इतने लगेगा जब तक लाइट नहीं ठीक होंगी। नहीं सारी चल गई है, सिर्फ है 3 ट्रांसफार्मर से जोड़ा ना फॉल्ट रह गया, वो केबल साड़ी ना अंडरग्राउंड है, वो तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने लगता एक अद्धे घंटे चालू हो जाएगा। सप्लाई जी है ना वो कुछ दिन तो नहीं लगातार इंटरप्शन नहीं रही। सवाल है किन्ने दिन तो बत्ती नहीं आ रही? लगातार नहीं रही, ये सिर्फ लड़ी एक 3 ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है। अंदर मैं तुम दसना वा तो पूरा फीडर जोड़ा वा ना वो पिछे बिजली घर भी बंद हो गया सी, ऑलरेडी जो सा वेरका सबस्टेशन सीगा वो पूरा ट्रिप हो गया सी, लगा वो इंटरप्शन होके आंदी रही है, 2-3 इंटरप्शन रही ने, कोई ओवरलोडिंग करके 2-3 घंटे की इंटरप्शन रही है। उस तो बाद हुण बाकी सारा लाइन चल गई है, ये 3 ट्रांसफार्मर रह गए ने इन्हां दे एरिए दे, वो चल देने ने हुणे, मेरे सारा स्टाफ इत्थे आ, मैं आप इत्थे आ, इन्हां दी सप्लाई मैं चला के जावांगा। मेरा नाम मनोहर सिंह, एक्सीएन ईस्ट डिवीजन। दूसरी ओर बिजली विभाग के एक्सीएन ने बोला कि बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की तारों पर ओवरलोड होने के कारण बिजली की तारें जल गई हैं और बिजली विभाग की ओर से उन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को आई परेशानियों पर हम माफ़ी मांगते हैं और करीब 1-2 घंटे तक बिजली ठीक कर दी जाएगी। अज आप धरना लगाया जी, अज 4 दिन हो गए साढ़े इलाके च बत्ती नहीं आ रही, बिल्कुल बंदा हाल है, ना बत्ती ना पानी, बिल्कुल बंदा हाल है, बच्चों नूं पीण वास्ते पानी तक नहीं गा, आ जिन्ने जनता पुछ लो जिथे खलोती है 3 दिन हो गए नहाते तक नहीं गए, बिल्कुल बुरा हाल है। तो जे प्रशासन लोगों की आवाज़ नहीं चुक सकता, आपां जे आपां लोगों की आवाज़ नहीं चुकांगे, लोगों की आवाज़ सुन नहीं सकता, तो इहो जिहे लोगों नूं सरकार च रहिण दा कोई हक नहीं। अपने आप इत्थे इस्तीफे दो, आपां लोगों च बैठे तो लोगों की गल ही कर रही है। लोग कहते पैसे ले लो, 600 यूनिट ना दो, ए क्लियर कट है, पर पैसे पैसे ले लो, पैसे ले लो, 600 यूनिट बिल्कुल ना दो, इस करके लोग पैसे देने को तैयार है। जो 600 यूनिट हाल वेख लो, जे बत्ती नहीं गई तो 600 यूनिट नू की करना लोगों ने, तेरे जमें हूँ लोग कह रहे मुफ्त वाला काम बंद कर दो, पर रेट एक कर दो जिदे लोगों का बत्ती सारे मिल जाए, घर घर बत्ती पानी आ जाए, जिनी देर तक बत्ती नहीं आऊगी भाजी आप इतने रहेंगे। 3 दिन हो गए भाजी प्रोपर, 3 दिन प्रोपर हो गए जी। इस्लाम कृष्णा नगर 5 नंबर गली, ना पानी देना, बत्ती छोटे छोटे बच्चे पोते पोतियां साढ़े रोंद ने, पानी 3 दिन हो गए सानू पानी नहीं मिलन दिया, ना बत्ती देना पानी, मतलब 10 मिनट आती फिर चल जाती, आंधी चल जाती, आंधी चल जाती है, कल 11 बजे की गई हाली तक बत्ती नहीं आई है, बहुत ज्यादा परेशानी आई, बच्चे बाहर कर ले रहे अपने, छोटा जा पोता 6 महीने का उन्होंने बाहर कर लिया वा, भी जाओ ना बेटी के घर कर लिया वा, बच्चे ना पीन ना रोटी बनाने, ना करते चुकते ही नहीं फोन, बिजी आते उन्होंने फोन, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੀ ਤੱਕ, ਆ ਗਿਆ।
दूसरी ओर मौके पर पहुंचे इलाके के पुलिस कर्मचारियों का कहना है कि इलाके में बिजली न आने के कारण इलाका वासियों ने धरना प्रदर्शन किया था। बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही बिजली ठीक कर दी जाएगी, जिसके बाद इलाका वासियों की ओर से धरना खत्म किया गया है। पुलिस की ओर से इलाके में यातायात ट्रैफिक को भी ठीक किया जा रहा है। पायलट शमिंदर सिंह, पुलिस अधिकारी। बिजली ना आने करके इलाका वासियों वालों प्रोटेस्ट किया गया है, धरना भी लाया गया, तो की कहना चाहोगे तुसी आए जे धरना खत्म होया? इलाका वासियों ने जो धरना लगाया सी वो लाइट ना आने करके लगाया सी, काफ़ी देर तो लाइट जी आ रही है, बिजली के जोड़े मुलाजम से वो काफ़ी देर तो लगे हुए हैं फॉल्ट लभन, पर लाइट जी आँदी पाँच मिनट बाद आँदी सी चली जाती सी, वो फिर कोशिशें चल रही। एक्सीन साहब खुद आए हैं मौके पर, उन्होंने विश्वास दवाया कि लाइट जी ठीक कर रहे हैं, तो घंटे डेढ़ घंटे तक आप लाइट ठीक कर देंगे। इस धरना चुकया गया, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, ट्रैफिक खाली करा के कंट्रोल करके आवाजाही पूरी।